ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में यूरिया की किल्लत की सच्चाई दिखा रहे हैं। यहाँ किसान यूरिया के लिए लाइन में खड़े थे, लेकिन अचानक लड़ाई शुरू हो गई। अचानक किसानों की लाइन अखाड़े में तब्दील हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद दूसरे किसानों ने किसी तरह से झगड़े को संभाला कि सिर्फ अशोक नगर का मामला नहीं है, ये हालात पूरे राज्य में बन रहे हैं। विदिशा में तो किसानों ने ट्रक से यूरिया ही लूट लिया। यूरिया की किल्लत को बीजेपी ने हथियार बना लिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राज्य में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है और कमलनाथ सरकार के पास बेहतर मैनेजमेंट नहीं है। समझ में आता है कि प्रशासन क्या होता है। आप सब जानते हैं कि यूरिया की शॉर्टेज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी जब होती थी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम लोगों ने मैनेजमेंट किया, पहले यूरिया खरीदा, फिर यूरिया खरीदने के लिए किसानों को लोन भी दिया कि आपके पास यदि फसल नहीं आई है उसके पहले आपको यूरिया खरीदना है तो आप सोसाइटी से लोन ले सकते हैं और यूरिया खरीदने समय से पहले, तो समय से पहले स्टॉक करना, फिर किसान को परचेस करने की पावर देना, ये मैनेजमेंट था सरकार का। अभी मैनेजमेंट कमलनाथ जी के पास है नहीं और इसलिए उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे यूरिया बांटें। अरे भाई, कर्ज माफ़ नहीं कर रहे हो, कम से कम किसानों को यूरिया तो समय पर दे दो। पर समय पर यूरिया नहीं दे पा रहे हैं और किसान यदि आंदोलन कर रहे हैं तो उनको डंडा दिखा रहे हैं। कालाबाजारी के भी आरोप लग रहे हैं कि सरकार अपने वालों के साथ कालाबाजारी। 100% जब शॉर्टेज होती है तो कालाबाजारी होती है और उसमें सरकार के संरक्षण में कालाबाजारी हो रही है। ये किसानों का आरोप, मेरा आरोप नहीं। भले ही राज्य में यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ हो, लेकिन राज्य सरकार दावा कर रही है कि यूरिया की किल्लत से निपटने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। राज्य के कृषि मंत्री तो यूरिया की कमी के लिए केंद्र को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और बीजेपी वालों को केंद्र की चौखट पर जाकर धरना देने की नसीहत भी दे रहे हैं। देखिए, जिन्होंने 15 साल तक किसानों के नाम पर राजनीति करी और जिनके शासनकाल में प्रदेश का जो किसान हाशिए पे चला गया था, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया था, दुखी और निराश हो गया था, आज अपनी सत्ता जाने के बाद, अपनी कुर्सी जाने के बाद किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। जो अगर ये वाकई में किसान हितेशी हैं, अगर इनको वाकई में किसान की चिंता है, तो ये मध्य प्रदेश में धरना करने के बजाय, यहाँ पर नाटक नौटंकी करने के बजाय ये केंद्र में जाए और केंद्र जो लगातार मध्य प्रदेश के साथ में जो सौतेले व्यवहार कर रही है उसके खिलाफ में आवाज़ उठाए और हमने जो यूरिया की मांग रखी थी, जो डिमांड हमने रखी थी, वो उसकी पूर्ति कराने में हमारा सहयोग करें। किसानों की फसलें यूरिया के बिना बर्बाद हो रही हैं। किसान घंटों तक यूरिया के लिए लाइन में लग रहे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। यूरिया संकट से निपटने के लिए सरकार के सारे उपाय फेल हो रहे हैं। वैसे एक सवाल ये भी है कि आखिर यूरिया की संकट मध्य प्रदेश में ही क्यों है, जबकि दूसरे राज्यों में किसानों के लिए यूरिया आसानी से उपलब्ध है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ सीहोर से नावेद जाफरी की रिपोर्ट।